All right, so hey guys, what up everybody? It's your boy SR, welcome back to my YouTube channel. Okay, so guys, बहुत दिनों बाद एक vlog shoot कर रहा हूँ, मुझे पता है, and मैं बहुत आलसी हो गया था बहुत दिनों से, and मेरी तबीयत थोड़ी खराब था, मुझे पता है, and पता चल जाएगा तुमको मेरे टोन से. एंड मैं अभी रिसेंटली उठा सोकर, देख सकते हो मेरा फेस, अभी सोकर उठा, मुंह धोकर आया व्लॉग बनाने, क्योंकि मैं बहुत दिन से स्किप कर रहा था, मैं खुद को स्किप कर रहा था, मुझे पता है, मैं बहुत दिन से बहुत आलसी हो गया था एंड बस बहाने ही मारता था, नथिंग एल्स. सो एंड मैं वो नहीं चाहता हूँ कि मैं बहाने मारूँ एंड कुछ वो करूँ. ओके गाइस, पहले तुम ये बैकग्राउंड देख लो, ये मेरा मतलब रूम से व्यू है, बहुत ऑसम व्यू आता है यहाँ से. सो गाइस, चलो अपने कंटेंट में आ जाते हैं. और ओके सो गाइस, आज हम जाने वाले हैं भुवनेश्वर का एक सुपर ऑसम एक माउंटेन है, जो कि मेरे मतलब रूम से आई थिंक 15 किलोमीटर है भुवनेश्वर के टाउन के आसपास, आई थिंक 20 से 25 किलोमीटर होगा भुवनेश्वर के टाउन से. उसका नाम है बरुणेई. आज के वीडियो में हिंदी में कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं हिंदी में बहुत दिन से व्लॉग नहीं किया था, और मतलब काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर कुछ बाहर से हैं और वो मुझे बोले थे कि हाँ थोड़ा बहुत हिंदी में करने के लिए, ताकि उनको भी थोड़ा समझ आ जाए. सो एक और बात जो कि मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में बोल चुका हूँ और ये दोबारा बोल रहा हूँ, जो कि मेरा सब्सक्राइबर को लेकर, और आई थिंक राइट नाउ मेरा सब्सक्राइबर कुछ 1200 के आसपास है, एंड उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रिया करता हूँ. और आज मैं फुल ऑफ जोश में हूँ, एंड मैं आपको, मेरा कमरा बहुत ख़राब है आई नो, मैं आपको ऊपर ले जा रहा हूँ एंड वहाँ से भी बहुत ऑसम आता है. सो ये है हमारा छत जो कि बहुत ऑसम है, एंड हम थर्ड फ्लोर में रहते हैं, एंड ये वाला क्या बताऊँ, बहुत ही मस्त है. इसका व्यू देखो, बहुत ही ऑसम व्यू आता है. एंड भुवनेश्वर शेट्टी यहाँ पर है, मेरे मुंह से बालिश आ रहा था, भुवनेश्वर शेट्टी यहाँ पर है. एंड आज मैं जहाँ जाने वाला हूँ वो वाला है, देखो सुन कर रहा हूँ, ये जो पहाड़ आप देख रहे हो ये वो वाला पहाड़ है. सो हम जाने वाले वो वाला पहाड़, एंड अभी मैं पूरा रेडी हूँ. पर हाँ, वहाँ पर एक और चीज़ है जो कि है उसके मतलब टॉप पे जाने के लिए एक रास्ता है जो कि हम जाएंगे, और मेरे बाल बहुत ही ख़राब है आई नो. सो यही था कुछ, देख लो हमारा छत, और कुछ नहीं. सो चलो चलते हैं, देखते हैं. सो गाइस, वी आर रेडी. मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ इसको पहन के जाऊँ या फिर नहीं. सो चलो चलते हैं एंड देखते हैं. और क्या, और कुछ चीज़ें वैसे है नहीं. और हाँ, मैं रास्ते में थोड़ा बहुत वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं अकेला ही जा रहा हूँ. सो डायरेक्ट मिलते हैं आपको बरुणे के पास. सो चलो चलते हैं. ओके ओके, सो हियर इज माय किंग है बड़े, लेट्स गो. और हाँ, मैं बहुत दिनों बाद कहीं जा रहा हूँ अपने बाइक को लेकर. ऑल राइट, सो गाइस, ये हमारा बिल्डिंग और मेरा शेयर रेडी हो चुका है. लेट्स गो. Thank you.
एटा थला मा बरुणी इनको मंदिर कलर दिया चल छे एन ए पछरा पूरा पहाड़ 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 अच्छा ये पानी टी आसुची पूरा पहाड़ रू पहाड़ झरझरी आसिक ये जाठ से गुड़ धोवाई देन तापर से आड़े पोखरी अच्छे छोटे आड़े ता भर को बाप रे देखो क्या है ये ऑलराइट जो जो ट्रैकिंग के बारे में मैं बोल रहा था कि पहाड़ के ऊपर तक जो रास्ता है वो यही है, पर अच्छी बात ये है कि रास्ता बन मतलब ऑलरेडी बन चुका है और ऊपर काफ़ी लोग हैं और अभी मैं जा रहा हूँ। अभी से हालत खराब, पता नहीं क्या होगा आगे। सो बारिश के टाइम यहाँ आना बहुत ही मतलब बहुत क्या इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखो नॉर्मल वेदर में भी हम ऐसे मतलब इतना स्लिप हो रहा है और बारिश के टाइम तो क्या ही बताओ। सो बारिश के टाइम कोई मत आना और अकेले मत ही आना। हाँ ओके सो कुछ फ़ोटो मैंने क्लिक किया है और उसको दे दूंगा, अभी आप लोग देख सकते हो। और हाँ यहाँ का अगर हिस्ट्री के बारे में थोड़ा मतलब जितना मुझे पता है कि यहाँ पर मतलब ये जो पहाड़ है यहाँ पर बहुत सारे मेडिसिन प्लांट्स मिलते थे, अभी पता नहीं मुझे। और हाँ ये मतलब वीकेंड्स एंड घूमने के लिए बहुत बहुत सही प्लेसेस है, बहुत सही। तुम्हारा फोटो लगे इससे लेता हूँ आराम से आगे मियाँ मोटा तुम्हारे। हो भाई ओके सुपर व्यू एंड वेरी रिस्की। ऑलराइट ओके गाइस एटी एंड कर चुका है कि ना, एक तो संध्या हो सला पाँचटा एंड आऊपर को जी अपने ये रास्ता देख पारे बहुत रिस्की। सो बट एठू भी बहुत असम व्यू अच्छे बहुत ही असम व्यू। हो ओके एंजॉय। Thank you.
और वहाँ पर रील्स चल रहा है, वहाँ पर रील्स बना रहे हैं। ओके गाइस, रील्स से याद आया, अगर आप लोग मुझे इंस्टा में फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर चाहोगे थोड़ा बहुत वीडियो एंड फोटोज कभी कभी डाल लेता हूँ। बहुत थक गया हूँ एंड बहुत मन था ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ऊपर एक सीताकुंड करके एक थोड़ा सा है कुछ जो कि देखना है मुझे, और मैं कभी ना कभी आऊँगा, ये बात तो मुझे पता है, पर अभी का टाइम थोड़ा ख़राब है एंड मेरी भी हालत ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुका है। वहाँ तक रास्ता ठीक ठाक है, वहाँ तक देखा जाए तो रास्ता ठीक ठाक है, पूरा आराम से आप लोग आ सकते हो, मतलब रास्ता बना है। और यहाँ से लास्ट तक रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी रास्ता नहीं देखिए, पर मज़ा बहुत आया, जितने तक भी जा सके हम गए। कभी दिन के टाइम भी आएंगे और ऊपर चढ़ने का कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत। सो आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू गाइस डिड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना जो जो दिल में आए, एंड प्लीज़ 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 शेयर कर देना प्लीज़, क्योंकि देखो गाइस बहुत मेहनत लगता है, खुद आओ अकेला वीडियो बनाओ एडिट करो और जो बहुत 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 कुछ बहुत मेहनत लगता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।